हाँ? एक बहुत जरूरी काम है, एक मिनट आइए ना इधर बैठिए, देखिए ना मुझे यहाँ बहुत खुजली हो रही है, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, खुजली कर दीजिए प्लीज। पागल वागल हो गई हो क्या? ये खुजली वुजली मुझसे नहीं हुआ, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी खुजवा लो। अरे आप बातें कम कीजिए, देखिए मुझे कितनी खुजली हो रही है, जल्दी कीजिए, किसको बुलाऊं मैं? मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे कीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप, कीजिए करो। नीचे, अरे पापा लेफ्ट में और थोड़ा राइट। अरे आप क्या कर रहे हैं, इस तरह आंखें बंद रखेंगे तो कैसे देखेगा, और ये इससे नहीं हो रहा है, आप हाथ से कीजिए, अच्छे से कीजिए, कीजिए ना ठीक से कीजिए ना। हाँ हाँ यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, चाय बहुत ठंडी थी ना? बना लो जाके किचन में, दूसरी पी लो। एक बात बताओ, मेरे साथ चाय पी के कैसा लगा? अच्छा हाँ, और नाम है बताइए, अच्छा लगा? हाँ। और तुम उस जोड़ी के घर पहुंची कैसे? आंटी जी का नाम नहीं ले सकती हूँ मैं। वो सगाई वाले दिन जॉली से बात कर रही थी, तो उससे पूछा मैंने कहाँ रहता है, क्या काम करता है, बस। अब तुम वहां नहीं जाओगी, भूल जाओ ने। फिर से वही बात समीर, कैसे भूल सकती हूँ मैं ये? लवनीत और जॉली ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्या क्या बातें कहकर गए हैं वो, और सबसे जरूरी जॉली के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, मुझे कम से कम लवनीत की सच्चाई उस तक उसके सामने तो लेकर आने दो। कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे मन में अपने होने वाली पति के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना, तो तुम वापस वहां नहीं जाओगी बस। मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी है, और इतनी समझदारी की उम्मीद तो मैं अपने मंगेतर से भी रख सकती हूँ कि वो मेरा साथ दे और एक मौका भी दे। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो प्यार से ही बेवकूफ बनाऊंगा। ठीक, जहाँ जाना होगा जब जाना होगा बता देना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। थैंक यू। ठीक है तो कल सुबह उनके घर चलते हैं, माता रानी की कलश स्थापना के बाद नवरात्रि का पहला दिन है, तो ये शुभ काम भी शुरू करते हैं। पूरी जिंदगी पूजा करूंगा तेरी, बस स्किनर से मुझे निजात दिलवा दो, और ऐसा चमत्कार कर दो माँ कि हरमन लवनीत नु ही गुलाबो अपनी समझे। जय माता दी। पर अंकल जी, इस तरह से वो क्यों झूठ बोलेगी? वो आपकी बेटी लवनीत है, जॉली की गुलाबो नहीं है। हाँ वो गुलाबो नहीं है, पर अगर जॉली उसे गुलाबो मानता है तो इसमें हर्ज क्या है? देखो अब तुम्हें भी तुमसे प्यार करने वाला मिल गया है, सगाई हो गई है तुम्हारी, खुशी से अपनी जिंदगी जियो, और उसे भी अपनी तरह से उसकी जिंदगी जीने दो। हाँ मैं भी इसे यही कहता हूँ, पर ये समझती नहीं है, पता नहीं। पर ये धोखा है, और मैं अपने दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा होते हुए तो वो धोखा अगर किसी की जिंदगी बदल सकता है, उसकी खुशियां लौटा सकता है, तो वो धोखा नहीं, वो जायज है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, सॉरी आई गॉट टू गो। थैंक यू। नहीं रुको, रुको, देखो जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने कह दिया उन लोगों से। प्लीज अब तो छोड़ दो देविका को। सो स्वीट ऑफ यू डैड, सो स्वीट ऑफ यू, कितना प्यार करते हैं आप मॉम से। उतना ही प्यार ना मैं हरमन से करती हूँ।
और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा ही करते जाइए आप। ओके मैम। ओके मॉम। वेरी गुड। मुझे कुछ करना ही होगा। जॉली को इस वक्त अगर लवनीत का सच बताना भी चाहा तो वो नहीं सुनेगा, इसलिए कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। वो भले ही अब मुझे अपना दोस्त ना माने, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी। मैं जॉली को उस लवनीत से बचाऊंगी। जॉली को लवनीत के बारे में कैसे बताऊं? फंसा रही है वो उसे। खुशी रुको। अरे खुशी क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? मैं जॉली को जाकर लवनीत की सच्चाई बताने वाली हूँ। पता नहीं क्यों सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम पागल हो क्या? वहाँ तुम्हारी बात कौन सुनेगा? और कब तक उस जॉली के पीछे भटकती रहोगी ऐसे? तब तक भटकूंगी जब तक लवनीत की सच्चाई जॉली के सामने नहीं आ जाती और मैं अपना सच साबित नहीं कर देती। जॉली को मैं इस तरह से उसके साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। अरे खुशी कब तक ये सच झूठ साबित करने पड़ी रहोगी? दुनिया में हजार लोग हैं, कोई तुम्हें गलत समझता है, कोई मुझे गलत समझता है। सबको पकड़ के क्या साबित करती फिरोगे अपने आप को? क्या है ये सब? मेरा साथ देने का वादा किया था ना, तो फिर अब क्यों रोक रहे हो? कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरे होने वाले पति हो, इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मेरा साथ नहीं दे सकते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारी पत्नी को गलत साबित करे? तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? वो कह तो मैं वही बोल दूंगा। प्यार करते हो मुझसे? हाँ करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो लोग प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, मेरी तो एक छोटी सी लड़ाई है, तुम उसमें भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है घर चलते हैं, वहां जाके बात करेंगे, सोचेंगे इस बारे में। ओके खुशी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, बस। मैं सिर्फ जॉली के लिए परेशान हूँ। एक ही तो दोस्त है मेरा और उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और मैं जानती हूँ और जानते हुए मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? एक खास रिश्ता बन गया है उसके साथ, इसलिए उसके लिए इतना। अच्छा ठीक है घर चलते हैं, वहीं जाके बात करेंगे, सोचते हैं इस बारे में। वैसे भी अब घर पहुँचते पहुँचते रात हो ही जाएगी और फिर माता की आरती भी करनी। प्लीज गाड़ी उस तरफ चले। माता रानी ऐसी बातें करी ना तो ये टेडी की तरह तू भी कमरे से उड़ती हुई बाहर जाएगी। पागल नहीं हुआ हूं, सिर्फ याददाश्त गई है मेरी। टेडी को नाम देते थे। अबे होता है कहीं ऐसा, कोई प्यार करने वाले अपने टेडी को एक दूसरे का नाम देते हैं? दिमाग खराब है तेरा? हरमन तुझसे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सब तो याद आ गया, अब और क्या याद करूं? वैसे भी तुम लोगों की बकवास सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, और मैं मन बना चुका हूँ कि तुम लोग जो भी बोलते हो झूठ बोलते हो, सब नकली हो। नहीं नहीं हरमन, कोई तो उसे झूठ नहीं बोल रहा है। तेरा घर, तेरा परिवार, माँ बाप, मैं, सब सब तेरे अपने हैं। सब सच बोल रहे? हाँ भाई सब सच कह रहे हैं। तू वो जिसे बाबूजी मेरी गुलाबो बताते हैं, वो गुलाबो सच या झूठ, असली है या नकली, बोल। रियल फेक? हरमन जी ने हाथ लगाया है तो इसे ठीक तो होना ही है। इतना भरोसा? भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। संसार के जो नियम हम पर लागू होते हैं ना, वही नियम तुम पर भी लागू होते हैं। और ये गुलाबो तेरी